हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक पुराने इंजेक्शन की मदद से किचन में यूज़ होने वाला लाइटर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको एक पुराना इंजेक्शन ले लेना है, जो कि दोस्तों ये मैंने लिया है, आप देख सकते हैं 10 ml का इंजेक्शन मैंने लिया है। तो ये आपको लेना है दोस्तों। दोस्तों आप ये लाइटर देख सकते हैं, इसके अंदर जब तक गैस रहती है ये काम करता है, इसके बाद एक कोई यूज़ का नहीं रहता। तो अब हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको ओपन करना है। इसके अंदर आप एक ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देख रहे हैं, उसको आपको ओपन कर लेना है। इसको आप दोस्तों ओपन करेंगे और इस इंजेक्शन में हम इसको लगा देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आप जो इंजेक्शन के नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं उसको कटर की मदद से पहले कट कर लें। तो दोस्तों आपको ये सावधानी के साथ करना है। ये दोस्तों हो चुका है, हमने इसको कर लिया है कट। अब इसमें दोस्तों एक होल हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंजेक्शन को आपको ओपन करना है और इसके बाद जो ब्लैक कलर का कवर है इसको आपको हटा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाली सरफेस को प्लेन कर देना है। प्लेन करने के लिए दोस्तों फिर से आप कटर का यूज़ करें और कटर की मदद से इसके जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं उनको कट कर दें, जिससे जो जो पार्टिकल रहेगा वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसको कर देना है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा। अब आपको दोस्तों सेकंड होल करना है, जिसमें हम इस लाइटर को फंसाएंगे। तो आपको कुछ इतना बड़ा छेद आपको इसमें करना है। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर दिए हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें एक बड़ा सा होल करना है और जो आप वायर देख रहे हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये हो चुका है दोस्तों ओपन। अब हमको इसको इस इंजेक्शन के अंदर लगाना है। तो दोस्तों इसको लगाना बड़ा सिंपल रहेगा। इसको लगाने के लिए आप एक पेचकस की मदद ले सकते हैं। इसको अंदर डालने के बाद आप इसको पेचकस की मदद से ठीक तरह से दबा दें। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको आपको लगा देना है, जिसमें जो स्टील का पार्टिकल वो भी बाहर निकल आएगा और वायर वाला पार्टिकल भी बाहर निकलना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये बाहर निकलना चाहिए दोस्तों। तो हमारा जो लाइटर बनाना था वो बन चुका है। अब जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो इसमें से स्पार्किंग निकलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने लाइटर बना लिया है। दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी किचन में। तो ये दोस्तों गैस है और ये हमारे पास लाइटर है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे और लाइटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो गैस चालू हो जाएगा। दोस्तों और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियो बना सकूं।